हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IMD+9 पर। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो वाकई धमाल मचाने वाली है OTT प्लेटफॉर्म की दुनिया में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि जब से कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी है तभी से OTT प्लेटफॉर्म ने बॉलीवुड में एक नए युग की शुरुआत की है। तब हो गई जब बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार अपनी 5-6 पार्ट वाली सीरीज के माध्यम से OTT प्लेटफॉर्म की दुनिया में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, जिनमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहिद कपूर और ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार अपना धमाल मचाने आ रहे हैं। और इसी तरह से बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार अजय देवगन अपनी अपकमिंग वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस की फाइनल अनाउंसमेंट करते हुए कुछ दिन पहले इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। और वाकई ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा शानदार है और काफ़ी सस्पेंस क्रिएट करने वाला है। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे उनका जिन्होंने ट्रेलर को कट किया है। क्यों भाई, कसम खा ली थी क्या कि ट्रेलर में कुछ भी कहानी समझ में नहीं आने देंगे? वाकई बहुत ही शानदार और सस्पेंस क्रिएट करने वाला ट्रेलर बनाया है इन लोगों ने। वैसे तो जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ये वेब सीरीज पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं है। लूथर नाम से एक ब्रिटिश शो है जिसका हिंदी रीमेक बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा डायलॉग्स और एक्टिंग सेम देखने को मिलेगी। अब ऑब्वियसली जिन्होंने पहले से ओरिजिनल शो को देख रखा है उनको तो दोनों में सिर्फ कंपैरिजन ही देखने को मिलेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देख रखा है उनके लिए ये एक मास्टरपीस और फुल्ली सस्पेंस वाली स्टोरी साबित होगी। अगर बात करें सीरीज की स्टोरी की तो रुद्र की कहानी साइकोलॉजिकल थ्रिलर होने वाली है जिसका सीधा सीधा कनेक्शन एक सीरियल किलर से है, जिसको मज़ा आता है गुप्त रूप से लोगों की जान लेने में। जितनी ज़्यादा मौतें होगी उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर वहीं CID वाली टीम पीछे लगाई जाएगी खूनी के, जिसके मेन हीरो का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं अजय देवगन, जो कि एक तेज और शातिर पुलिस ऑफिसर के रूप में सीरीज में नज़र आने वाले हैं। यानी कि भैया, हर जगह एक नया सस्पेंस लेवल देखने को मिलेगा जिसमें लगेगा कि अब क्या होने वाला है। सीरीज का मेन ट्विस्ट तो तब आएगा जब अजय देवगन यानी रुद्र क्रिमिनल को पकड़ते पकड़ते इतने माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं कि खुद एक क्रिमिनल बन जाते हैं, ऐसा दुनिया को लगता है। तो दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं फिल्म की स्टोरी को, आखिर किसने लिखा और किसने इसको डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों, इस सीरीज की स्टोरी को लिखा है जसिल बंसल ने और इसे डायरेक्ट किया है राजेश माँ पुष्कर ने। और अगर बात करें ऑल ओवर सीरीज की स्टार कास्ट की तो भैया, अजय देवगन तो सीरीज में मेन हीरो है ही, साथ ही दूसरा बड़ा नाम इसमें राशि खन्ना का है, जो अजय देवगन के साथ हर जगह एक बड़ा रोल प्ले करते नजर आएंगी। एंड साथ ही ईशा देओल, जो कि काफ़ी लंबे समय के बाद स्क्रीन शेयर करते नजर आने वाली है। एंड इनके अलावा इसमें आशीष विद्यार्थी भी एक अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। और उसके बाद इसमें अतुल कुलकर्णी और अश्विनी क्लिशकर जैसे बड़े कलाकार भी हमें अपने जलवे बिखेरते नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बॉलीवुड की एक अब तक की सबसे खतरनाक सीरीज होने वाली है, क्योंकि इसकी कहानी ही एक सीरियल किलर के ऊपर है और साथ ही इसमें इतने बड़े बड़े कलाकार हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों, फिलहाल इसकी रिलीज डेट सामने नहीं आई है, ट्रेलर में साफ लिखा है कि कमिंग सून, लेकिन नो डाउट ट्रेलर आ गया है तो रिलीज डेट भी जल्द आ जाएगी, जो कि Disney+ Hotstar पर हमें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इसके अलावा अजय देवगन की एक बड़ी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को आ रही है। बाकी दोस्तों, सीरीज का ट्रेलर आपको कैसा लगा है हमारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना।